ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अगर आपको देखकर के कोई रास्ता काट देता है, आपको देखकर के कोई देखना भी पसंद नहीं करता, वो राजा नहीं बन सकता। कई माता जब घर में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, ये मुसीबत आ गई। क्या समझते हैं? मुसीबत। क्यों? संस्कार नहीं बदले। अगर कोई देवी को देख करके, मंदिर में देवी को देख करके भी लोग हाथ जोड़ते हैं, चप्पल बाहर उतार करके जाते हैं, सिगरेट होगा तो भी फेंक देंगे। आपके घर में कोई बैठ करके सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत विकारों में जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी स्थिति की कमी है, दोष उसका नहीं है। वो तो एक देवी हमारे क्या मूर्ति है, वो मूर्ति को देखकर के भी इतनी भावना। आप तो चैतन्य देवी हैं, आपके घर में ऐसा क्यों होता है? आपकी स्थिति की कमी है, दोष उन बच्चों का नहीं है। अपनी स्थिति को अच्छी बनाओ। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। फलों का राजा आम को क्यों बोला? अगर कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है धूप में, कहां जाकर सोता है? आम के पेड़ के नीचे सोएगा, उसकी सारी थकान मिट जाएगी, रिफ्रेश होकर के फिर और काम करने के लिए उसको उमंग आएगा। अगर कोई नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, और ये नारियल गिर करके सिर भी टूट जाएगा उसका। इसी तरह दुनिया की कोई बातों से, परिस्थिति से तंग होकर के आपके पास कोई आता है, और आप कोई उसको ऐसी ज्ञान की बातें सुना करके उसकी थकान मिट जाते हैं, मिटाते हैं, उसकी समस्या का समाधान करते हैं, वो है राजा। लेकिन कई कई तो ऐसे भी लोग होते हैं, बिके होते हैं, कोई समस्या लेकर के आए हैं, परेशान होकर के उसके पास में आए हैं, वो यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना करके, बहनों की बुराई सुना करके, यज्ञ की बुराई करके उसका और ही दिमाग खराब करके भेज दिया। ऐसे भी बिके होते हैं, अरे यहाँ भी तो ऐसा होता है, ये तो बहन ही ठीक थोड़ी है, यह तो ऐसा होता है, यहाँ भी पार्शलिटी चलती रहते हैं, उल्टी सुल्टी बात सुनाई। वो आया था अपना टेंशन लेके शांति के लिए, वो और ही दुखी होके गया। वो कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए राजा बनने के लिए दूसरे के दुख हरो, दूसरे की परेशानी को मिटाओ, वो है राजा। इसलिए राजा बनने के लिए आम बनो, नारियल मत बनो। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि आम क्या होता है? ऊपर से नरम होता है, अंदर से सख्त होता है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर का होता है और अंदर से नरम है।